एक तरफ से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, बहुत गर्मी पड़ रही है और गर्मी की वजह से घर में कॉकरोचेस, चींटियां, मस्कीटो ये सब बहुत ज़्यादा दिखते हैं। यहाँ पे मैं अपनी ग्रॉसरीज आइटम्स कुछ दिनों पहले ही लेकर के आई थी, आप लोग के साथ मैंने हॉल भी शेयर किया था, तो उस दिन बस मैंने सारा ऐसे ही डंप कर दिया। आज मैं इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी और समर के टाइम पे मैं क्या क्या करती हूँ, कौन कौन से हैक्स फॉलो करती हूँ, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा एक कपबोर्ड है और जो नीचे वाला पोर्शन है, जो नीचे वाला कपबोर्ड है, इसी के अंदर मैं रखती हूँ अपनी सारी ग्रॉसरीज, जो भी एक्स्ट्रा पैकेट्स वाली होती हैं, मतलब एक ले आकर के मैं डंप कर देती हूँ और जैसे जैसे बॉक्सेस खाली होते रहते हैं वैसे वैसे मैं फिल करती रहती हूँ। और ऊपर वाला जो ये है एरिया, इसमें क्या है कि इसमें खाली बॉक्सेस, एक्स्ट्रा यूटेंसिल्स, मतलब मिक्स टाइप थिंग्स इसमें रखती हूँ मैं। तो जब भी ग्रॉसरीज मैं सेट करती हूँ, जब क्लीन करती हूँ, तो उसी के साथ में ये वाला भी क्लीन कर देती हूँ। तो क्लीनिंग के लिए सबसे पहले क्या करना है कि एक आपको सोल्यूशन बनाना है, उसमें जितना विनेगर रखना है उतना ही पानी रखिएगा, क्योंकि गर्मियों के टाइम में मुझे लगता है विनेगर थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना चाहिए। उससे क्या होता है ना, उसके स्मेल से कॉकरोचेज और जो स्पाइडर्स वगैरह होते हैं वो नहीं आते हैं, जल्दी तो नहीं आते हैं। तो जितना विनेगर उतना पानी, उसमें थोड़ा सा सोडा, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा यूटेंसिल्स लिक्विड या फिर हल्का सा शैम्पू भी डाल सकते हैं। तो कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि ग्रीसीनेस को क्लीन कर दे, क्योंकि ये किचन की चीज़ें हैं तो थोड़ा सा ग्रीसीनेस रहता है। और अगर आपको हल्की सी खुशबू चाहिए तो आप उस पर वन ड्रॉप ऑफ कम्फर्ट भी डाल सकते हैं। इस लिक्विड को मैंने स्प्रे बॉटल में फिल करके यूज़ किया है, आप चाहें तो जस्ट नॉर्मल किसी बर्तन में मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो लिक्विड से सब कुछ अच्छे से क्लीन करने के बाद, ड्राई होने के बाद, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बोरिक पाउडर। तो ये बोरिक पाउडर जो है ये थोड़ा थोड़ा मैं नीचे डाल दूँगी और ऊपर से मैं न्यूज़पेपर डाल दूँगी, तो ये किसी चीज़ से टच भी नहीं होगा और नीचे कॉर्नर में कभी कभी कॉकरोचेज के एग्स वगैरह रह जाते हैं तो वो सब भी यहाँ पर नहीं होगा। ये सब अच्छे से सेट करने के बाद मैंने न्यूज़पेपर डाला, उसको भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। समर का टाइम है, अगर आपके पास लाइनर्स हो, जो भी कवर्ड में लाइनर्स लगाते हैं हम लोग, अगर वो सब हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड, ये सब जितना अवॉइड करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो मेरे पास तो अभी कुछ नहीं था तो मैंने फ़िलहाल इसे ही लगा करके इसके ऊपर प्लांटर स्टैंड अच्छे से क्लीन करके और रख दिया। उसके बाद कबर्ड में मैं जो भी चीज़ें रख रही हूँ उन सारी चीज़ों को अच्छे से लिक्विड से क्लीन करने के बाद ही रख रही हूँ। ये सब काम करने में करीबन 1 से 2 घंटे ही लगते हैं, तो अगर कभी भी 1-2 घंटे का टाइम हो तो उसी टाइम पे छोटा छोटा काम जो होता है वो किचन में मैं कर लेती हूँ। ये साइड में एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है, पहले मैंने सोचा इसे फेंक देती हूँ, बट फिर इसको निकालने के बाद लगा कि जो मैं बॉक्सेस को स्टैक करके रखती हूँ वो रखने में मुझे दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ से ये गिर जाएगा, तो फिर से मैंने फ़िलहाल के लिए लगा दिया, बाद में देखूंगी कि क्या करना है। और जितने भी आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं ये सारे काफ़ी यूज़फुल होते हैं, कभी कभी लंच बॉक्सेस में भी जाते हैं छोटे छोटे जो हैं, कभी स्वीट्स के लिए, कभी भी एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए, लेकिन पहले से ये काफ़ी डिक्लटर हो गए हैं, काफ़ी यूज़फुल हो गए हैं मेरे लिए। और जितने भी फूड कंटेनर वाले बॉक्सेस आते हैं ना, उनको वॉश करके उनके लिड के साथ ही उनको स्टोर करें, अदरवाइज़ वो लिड मिस हो जाते हैं तो दूसरे लिड उसमें सेट नहीं होते हैं और फिर वो काफ़ी दिनों तक पड़े पड़े फिर उन्हें थ्रो करना पड़ता है। तो इसे मैंने पूरी तरीके से सेट कर दिया है, देखने में थोड़ा सा क्लटर लग रहा है बट काफ़ी पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है। पहले मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड भी रखती थी, उसमें सारे छोटे छोटे बॉक्सेस रखती थी, लेकिन मैं वो कार्डबोर्ड भी फेंक दी और जस्ट छोटे छोटे बॉक्सेस को ऐसे ही सामने रख रही हूँ। अभी तक तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। उसके बाद आती हूँ मैं अपने ये ग्रॉसरीज के आइटम के स्टोरेज पे। तो ये है एकदम पूरा भरा पड़ा है, इसको मैं सबसे पहले पूरा क्लीन करके निकाल के बाहर करके और सोल्यूशन से अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। इसमें मैंने यहाँ पे 2 कार्डबोर्ड बॉक्सेस रखे थे, एक मैं ऐसे रखी थी जिसमें मैं सारे पल्सेस रखती थी, तो वैसे अगर आप चाहें तो आप रख सकते हैं, लेकिन वही है समर की वजह से मैंने निकाल दिया, क्योंकि इसमें चींटियाँ तो नहीं आती थी बट मैंने देखा कि स्पाइडर्स और कॉकरोचेस बीच बीच में चले जाते थे, तो मैंने पूरी ही तरीके से उसको निकाल करके और बाहर कर दिया। और इसको मैं ऐसे ही स्टैक करके रख रही हूँ। और नीचे के लिए मेरे पास कोई लाइनर नहीं था, इसमें नीचे टाइल्स लगा हुआ है तो इसलिए मैंने इसके ऊपर जो बबल रैप आता है वो लगा करके उसको भी अच्छे से क्लीन करके सारी ग्रॉसरीज के जो पैकेट्स होते हैं सबको स्टैक कर दिया है। और बहुत यूज़फुल भी है इस तरीके से, तो मुझे अच्छे से दिखाई भी दे रहा है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर चॉक से पूरा लगा दिया, तो एक चॉक आता है जो कि गैमेक्सिन पाउडर का चॉक आता है, उसका नाम होता है लक्ष्मण रेखा, तो आप वो चॉक गर्मियों में ज़रूर से मंगा करके रखें,
जब भी कहीं भी चींटियाँ दिखें तुरंत उस चौक को वहाँ पर लगा दें ताकि चींटियाँ स्प्रेड ना हो और फिर बाद में कंट्रोल करना उनको मुश्किल ना हो जाए। तो मैंने नीचे पूरा अच्छी तरीके से चौक लगा दिया। तो ये ग्रॉसरी वाला सेट अभी बहुत भरा भरा सा दिख रहा है क्योंकि मैं ले आकर के सीधे सारा यहीं पे रखी हूँ। जैसे जैसे बॉक्सेस खाली होंगे ना वैसे वैसे ये निकलता रहेगा, तो ये भी कुछ टाइम के बाद हल्का हो जाएगा। इसी में साइड में मैं एक्स्ट्रा स्पैचुला स्पून्स जितने भी हैं वो सारा मैं एक बॉक्स में, ऐसा एक ओपन टाइप का बॉक्स है मेरे पास, उसी में रखती हूँ। और अब मैं जो सोल्यूशन है उसी से पूरा अच्छे से इस डोर को भी क्लीन कर दूंगी। और कार्डबोर्ड के बॉक्सेस निकाल देने के बाद मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छे से हैंडल हो जा रहा है और एकदम क्लीन सा भी दिख रहा है, कोई कॉकरोच वगैरह भी अंदर नहीं जाएंगे। और मैं अपने इसी तरीके से पूरे घर को थोड़ा थोड़ा करके मैं क्लीन करती रह रही हूँ। और आप चाहें तो ग्रॉसरीज वाले एरिया में लौंग और कैम्फर भी रख सकते हैं, उससे भी चींटियाँ कॉकरोचेज वो सब नहीं आते हैं। तो आई होप आपको ये यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।